नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। देखिए, एसएससी एमटीएस का जो टायर वन का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। अब 28 जैन को आपका पेपर टू है। तो देखिए, उसमें कुछ बातें आप ज़रूर याद रखिए। सबसे बड़ी बात, सर कितना अटेंड करें। बहुत सारे मुझे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं जी सर सेफ स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या हो सकता है। उससे पहले मैं बोल दूँ, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है सर कोई भी लैंग्वेज में, कौन सा लैंग्वेज लिखूँ? तो भैया कोई भी लैंग्वेज में लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या, हिंदी इंग्लिश मैक्सिमम लिखते हैं सब कोई। लेकिन बात वही है, अगर आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, आप ग्रामेटिकल अच्छे नहीं है, आपका स्पेलिंग अच्छा नहीं है, तो एकदम इंग्लिश में मत लिखो। बेटर है हिंदी में लिखो, या अपना कोई भी जो अपना लैंग्वेज है, मराठी हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, कुछ भी हो, आप लिखो। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखो, वही एक्सप्रेस कहाँ पे आप कर पा रहे हो, मेन है आप एक्सप्रेस कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, ये अच्छा से देख लो। अब उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, सर ऐसे भी देगा, लेटर भी लेगा, कोई तो एक ही लिखना है 30 मिनट्स में, 50 मार्क्स है, तो कौन सा लिखे? तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, अलग अलग कैटेगरी में मार्क्स डिवाइडेड है, फॉर्मेट में मार्क्स डिवाइडेड है, आप जैसा लिखोगे वैसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दोनों सेम है। लेकिन मेरा सजेशन यही है, जैसे ऐसे में क्या होता है, आपको अगर आप एग्जाम हॉल में दोनों प्रिपरेशन घर में करके जाओ, अगर देखोगे एग्जाम हॉल में आपका कोई ऐसे एकदम कॉमन है, कोई स्कीम से दे दिया है, आपको पूरा याद है अच्छा से, तो आप लिख डालो ऐसे को। अगर देखोगे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ठीक है, लेटर लेकिन आपको ठीक है, चलो मैंने लेटर ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया था, क्योंकि लेटर में क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, आप फॉर्मल इनफॉर्मल किसी का भी ले लो, एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में मार्क्स होते हैं। लेकिन लेटर में क्या एक ड्रॉबैक्स भी है, उसमें क्या लिमिटेड वर्ड्स है, आप अगर अच्छे वर्ड्स दे के आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो फिर मार्क्स उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसे में क्या है, आप लिमिट्स वर्ड्स ज़्यादा हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूशन करके आप उतना अच्छे एक्सप्रेस कर पाओगे, तो वहाँ पे मार्क्स कैरी हो जाता है। लेटर में फॉर्मेट आधा मार्क्स वर्ड्स जो है खा जाता है, बाकी वर्ड्स में आपको बहुत लिमिटेड वर्ड्स मिलते हैं जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर अच्छा प्रैक्टिस हो तो दोनों, मेरा सजेशन है ये, अभी से प्री डिटरमाइंड होकर मत जाओ मुझे लेटर ही लिखना है। आप जाओ घर में दोनों प्रैक्टिस करो, ऐसे भी प्रैक्टिस करो, लेटर भी प्रैक्टिस करो, वहाँ पे जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन मिले आप उसी को लिखो। ठीक है, तो देखो सेफ स्कोर क्या होता है। तो देखो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से, क्योंकि इस बार जैसे कट ऑफ गया है और पेपर टू क्योंकि क्वालिफाइंग है, तो देखो सेफ स्कोर अगर आप मान के चलोगे, मैं कट ऑफ नहीं बोला, मैं सेफ स्कोर बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इससे ये भी हो सकता है, आप देखो जनरल का 30-35, मतलब ऑलमोस्ट 60% से ऊपर, 60-65%, और 50, ये आउट ऑफ 50 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 50 मार्क्स में 30 से 35 जनरल का, ओबीसी का 25 से 30, एससी का भी उसी लगभग, क्योंकि आप देख ही रहे हो कैसे कट ऑफ जा रहा है, या आप इसको थोड़ा सा कम कर लो 21 से 25, तो एससी का 25 से 35 थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन ये टारगेट करके चलो, क्योंकि जैसा कट ऑफ जा रहा है, और एसटी का जो है 20 से 25 दोस्तों, तो ये हमेशा आप टारगेट करके चलो, बेटर है थोड़ा ज़्यादा ही टारगेट करो, टारगेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप टारगेट करो अच्छा से, क्योंकि जो कट ऑफ हम लोग देख पा रहे हैं, आप कैसे सोच रहे थे इतना कट ऑफ हाई चला जाएगा, तो उसीलिए थोड़ा कट ऑफ हाई टारगेट करके चलो, सो दैट आपको थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइए आप दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिर्फ लेटर या ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।